Fox Entertainment Regional. So today we have a beautiful guest, Ena Dying Kamde from Arunachal Pradesh, and she is a model and actress. So let me welcome her in the show. So hi. Hello everyone. First of all, thank you so much, Star Fox Regional Entertainment, to having me in this evening. And I'm very glad to meet you, Janvi. And Janvi, you're looking so beautiful. बहुत सुंदर लग रहे हैं. And थैंक यू thank सो you. मच. अच्छा देन अच्छा वेल अच्छा आपको सब लोग जानते हैं ऐसे एक्ट्रेस एंड ऐसे मॉडल. सो अभी मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइक आपका जन्म कहाँ पे हुआ है एंड इसके बाद स्कूलिंग कॉलेज कैसा है? मेरा जन्म नाहरलगन, जो नाहरलगन है मेरा, वहाँ पे घर मेरा पहला जो मोम का एंड डैड का जो विलेज है, वो जो खुरुंग में, वो पालिन में आता है, जो अभी करादादी बोल के डिस्ट्रिक्ट को न्यू डिस्ट्रिक्ट किया है. एंड पापा मम्मी यहाँ पे जब माइग्रेन होने के बाद यहाँ पे आ गया, देन मेरा जन्म नाहरलगन पे हुआ है. एंड स्कूलिंग मेरा बहुत जगह चेंज किया. स्कूलिंग एक जगह पे नहीं था, कभी गांव पे था. मेरा बस्ती जो है बालीजान तारासो है, जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में, और अभी फिलहाल मैं कटनी हूँ. एंड बस स्कूलिंग में भी हुआ, एंड देन अलग अलग जगह पे हुआ. मेरा बड़ा भैया का भी ट्रांसफर था पालिन में, तो किसी डॉक्टर, तो उसके साथ भी बैठा था स्कूल. देन यहाँ नाहरलगन में ज्ञान गंगा में स्कूलिंग 10 to 12 पास किया. एंड देन गुवाहाटी में कॉलेज ज्वाइन किया, गुवाहाटी में कम्प्लीट किया बीकॉम करके एमकॉम. एंड आई एम परसुइंग LLB सेकेंड ईयर. ओके लाइक बिफोर लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर कैरियर, मतलब मॉडल का कैरियर कैसे शुरुआत किया? अच्छा, मोदली का तो छोटा से एक तो शौकी था. मीन्स हाइट मेरा थोड़ा मोड़ा है, आई थिंक 5-6 प्लस है हाइट. तो मेरा फ्रेंड लोग भी बोलता है कि तुम देखने में, उस समय तो बहुत पतली थी, तो बोलता है कि तुम प्लीज मॉडलिंग में ज्वाइन करो, मॉडलिंग ट्राई करके देखो. और हम लोग का यहाँ पे मॉडलिंग में फर्स्ट में तो इतना आइडिया नहीं था कि मॉडलिंग के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, किस डिजाइनर को मिलना पड़ेगा और कौन सा एजेंसी को मिलना पड़ेगा, वो सब कुछ आइडिया नहीं था. देन यहाँ पे एक डिजाइनर है जो याना गोबा बोल के, वो मेरा पहला डिजाइनर है जो आज तक हम उसको बहुत मिस करते हैं. आई रियली रिस्पेक्ट हर, शी इज अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. सो याना दी का एक तो कुछ शो होने वाला था, तो उसको मॉडल चाहिए था. देन वहाँ पे हम लोग ऑडिशन दिया, तो गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में ऑडिशन देके तो उसमें मिल गया. मिलने के बाद फिर करते करते कंटिन्यू मॉडलिंग को विथ माई स्टडी, तो पढ़ाई कर रहा था, देन मॉडलिंग स्टार्ट किया. हेलो. सॉरी सॉरी, फोन आ गया था. एंड हाँ मॉडलिंग कॉल आई. स्टार्ट करने के बाद, देन आई वाज इन मॉडलिंग में. हम 5 to 6 ईयर अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया, पूरा स्टेट में, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल टाइम्स किया. एंड देन गुवाहाटी बेस्ड मॉडल से स्टार्ट किया. सो मेरे मॉडलिंग का सफर एंड मेरा मॉडलिंग का जर्नी बहुत ही अच्छा था. और आई मेट लॉट्स ऑफ फ्रेंड इन मॉडलिंग फ्रॉम गुवाहाटी एंड अलग अलग जगह से, इन अलग अलग स्टेट से, तो उन लोगों के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग हुआ. एंड एक तो संदीप सर है मेरा गुरु, जो हम लोग को हमेशा गाइड करता है उस इंस्टीट्यूट में हम जाके, तो सर ने पूरा गाइड करना शुरू किया कि क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, किस तरह से तुमको अलग इवेंट के लिए तुमको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा और ऑडिशन देना ही नहीं करके. मॉडलिंग में हाँ 5-6 ईयर अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया एज प्रोफेशनल मॉडल फ्रॉम अरुणाचल तो प्रदेश. अभी भी फिलहाल मॉडलिंग कैरियर जा रहा है या नहीं? फिलहाल तो मॉडलिंग करियर में, अभी तो मैंने एक्टिंग में आया है, मॉडलिंग का वो कर दिया, लेकिन अभी भी फोटोशूट अगर रैंप अप होने से तो डाइट वाइट बुक करके चले जाती हूँ, अगर कोई ऑफर करता है तो. स्टिल आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज मॉडलिंग से स्टार्ट किया, वही मॉडलिंग से स्टार्ट किया, अभी भी रेडी है, बट थोड़ा डाइट करना पड़ेगा. लॉकडाउन में थोड़ा सा हर कोई घर पे बैठ अच्छा. बैठ के खुल गया. और ये एक्टिंग कैसा, आपने पहली बार एक्टिंग कहाँ पे किया और मतलब कैसा इंस्पायर हुआ कि आपको लाइक एक्टिंग करना है? एक्टिंग का मुझे बचपन से शौक था, और फ्रेंड लोग को भी पता है कि, और मेरा फ्रेंड लोग भी बोलता है कि तुम इतना एक्टिंग वाला लड़की है, एक्ट्रेस बनो ना, एक्ट्रेस बनो ना. तो मीन्स एक एक्टिंग के लिए सच्ची में छोटा से बहुत ये था कि एक्टिंग करना है जैसे कि. तो जब पढ़ाई कर रहा था तो गुवाहाटी में, तो मेरा जो फर्स्ट एक्टिंग कहाँ से शुरू हुआ,
मुझे एक तो फेसबुक में दिखाई दिया, मेरा फर्स्ट मूवी गैंग्स ऑफ नॉर्थईस्ट है, जो वहां पे आप लोग भी सुना होगा, रूपक दा का है, रूपक गोगोई ही इज डायरेक्टर, एंड संदीप नारायण प्रोड्यूसर, एंड केनी सर, जो केनी सर है वो शिलोंग से था, तो वो मेरा फेसबुक में फ्रेंड था, तो उसको चाहिए था एंटायर नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि मूवी का टाइटल है गैंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो उनको चाहिए था पूरा नॉर्थ ईस्ट से एक एक आर्टिस्ट, तो उसने शायद अरुणाचल से इतना कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था होगा, देन मेरा में पता चल गया कि हाँ ये एक लड़की मॉडलिंग कर रहे थे, ही वॉज टेक्स्ट मी, तो हम लोग बात किए, तो बात करने का वो बोला आप ऑडिशन नहीं देने से भी होगा कर लो उनके, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मूवी में जो गैंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और अब इसका जो बा दीदी है वो स्क्रिप्ट राइटर मूवी में, और उस मूवी भी बहुत हिट हुआ एंड बहुत सारे अवार्ड्स जीता है वो मूवी, एंड एक्टिंग में एक तो किरा अम्बोला है, अंदर में एक अलग से एक्टिंग करना है बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे ऐसे होता है कि मेरा कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पे एक्टिंग आने के लिए, वहां पे क्यों मिला यूट्यूब सोशल मीडिया से मिल गया, पर यहाँ पे हमको ब्रेक लेना था, हमको एक्टिंग करना था, लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा कोई भी जान पहचान रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, और यहाँ पे इतना बेटा भी नहीं, आपका स्कूलिंग पास होने के बाद गुवाहाटी में बेटा दिल्ली जाता है तो करते मॉडलिंग में थोड़ा ये टाइम चला गया, फिर वहीं पे पढ़ाई के साथ साथ फिर ये सब किए, तो एक्टिंग के लिए मन तो था लेकिन कभी ब्रेक नहीं मिल रहा था अपना जगह में, जबकि बाहर वाला लोग पहचान के दिया है, और वहां में भी जब गैंग्स ऑफ लॉट क्या था बहुत ही इंजॉय किया, बहुत एक्सपीरियंस मिला है कि कैसे शूट करना है कैमरा के सामने, कैसे नहीं, और स्क्रिप्ट को कब तक रेडी करना पड़ के, सो वो सब था, और यहाँ पे तो मन था, लेकिन आज मीन्स मन हो कि कोई मीन्स जान पहचान होने से तो साथ देगा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरा एक्टिंग अरुणाचल में आने का जो वो भी सेम फेसबुक से ही मिला, तपिन सर जो मेरा नेफा मूवी है, नेफा मूवी का डायरेक्टर है, तो उसको एक बार मैंने टेक्स्ट किया था कि क्योंकि केनी सर जो है मेरा गैंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट का मूवी का प्रोड्यूसर, जो बोला कि आपका कोई अरुणाचल में है कैसे जान पहचान जो हम लोग का मूवी को प्रमोट करेगा वहां पे चलाएगा, तो मैंने बोला कि मेरा तो इतना जान पहचान नहीं, हाँ एक फेसबुक में मेरा कोई फ्रेंड लिस्ट में है जो तपिन नतम सर बोल के, उनका रिसेंटली एक मूवी आया जेतू, तो वो मूवी में उसको मीन्स वो भी प्रमोशन कर रहा था, तो पिक्चर मैंने देख लिया, तो उसने केनी सर ने बोला कि उससे बात कराओ, उससे कॉन्टेक्ट करो, तो मैंने सर से तपन सर से यहाँ का जो डायरेक्टर है जो मेरा यार अरुणाचल मूवी का जो नेपा का डायरेक्टर है उसको मैंने बात बात किया कि हम भी मूवी कर रहा है वहाँ पे आसाम में गैंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट नाम हो के, तो उसको यहाँ पे कैसे चलाएगा, सर ने बोला अच्छा ऐसे ऐसे इसको तो ये कुछ प्रोसीजर्स होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बोल के, तो हम लोग का चेक और केनी सर को मैंने मिला दिया, जो मेरा प्रीवियस वाला प्रोड्यूसर एंड जो रिसेंट वाला डायरेक्टर दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद शायद दोनों बात किया होगा, और नेफा मूवी जब यहाँ पे कर रहा था तो उसमें उन लोगों को लड़की हीरोइन चाहिए था, हीरोइन बहुत लोग रिजेक्ट हुआ है बोल के सर भी बताया, तो सर को कैरेक्टर में बैठने के लिए कोई ऐसे लड़की चाहिए, तो मिल नहीं रहा था बेचारा, बहुत लोगों ने मूवी में घुस के भी बाद में निकालना पड़ा, तो सर को लड़की हीरोइन ढूंढ रहे नहीं मिल रहा था, तो सडन मीन्स फॉर्चुनेटली उसे मैंने फोटो अपलोड कर दिया, तो उसने देख लिया, अरे ये लड़की तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, हाँ इसने तो ऐसे कुछ बाहर में मूवी किया है तो क्यों ना इसको बात करेगा, तो उसने नंबर मांगा तो मैंने नंबर दिया, फिर बात किया, सर ने बोला कि क्या तुम कल मिल सकते हो, ये न्यूज़िली में आओ, एक एड्रेस दिया है, हम बोले जी हाँ सर, ऑफकोर्स वाई नॉट बोल के, कुछ काम था बोले तो हाँ कल मिल के बात करेगा, तो हमको थोड़ा लग गई इन कोई अगर आपको एज ए वेल नोन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको कॉल कर पूछ रहे कुछ अर्जेंट मीटिंग है कल मिलना, तो हमको पता चल गया कि शायद कुछ काम है, तो नेक्स्ट डे किया, तो उसमें प्रोड्यूसर मैम था जो माया दीदी है, तो उन दोनों ने डन कर लिया, पहला अरुणाचली का जो अरुणाचल फीचर फिल्म है वो नेपा 1953, एंड प्रीवियस जो फर्स्ट वाला जो मेरा मूवी है वो गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, अच्छा, देन वो जो अरुणाचल में आपने मूवी बनाया है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरा फर्स्ट में, यहाँ पे मीन्स ऐसे होता है कि जैसे कि हमने गैंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, तो रूपक दादा लोग प्रोड्यूसर लोगों लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोड्यूसर लोग बहुत अच्छा से अच्छा तरीका से मूवी बनाता है, स्पॉट बॉय होता है, मेकअप दादा होता है, लाइटिंग का एंड देन रिफ्रेशमेंट का एंड कॉस्ट्यूम का, और सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, बट हमारा यहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है, एक्चुअली बोला जाए हम लोग का अरुणाचल का जो आर्टिस्ट लोग है यहाँ का मूवी मेकर्स लोग है वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, जुगाड़ करके कहाँ से क्या मीन्स
एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन फनी भी था कि कभी कभी खुद ही कुकमैन बन जाता है वहां पे स्पॉट में, मतलब खुद ही ओके फ्रेंड लोग मीन्स अलग आर्टिस्ट को मेकअप कर देता है, खुद ही ड्रेसअप कर देता है। तो वैसे एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, लेकिन बहुत तकलीफ भी था। सोचा जाए तो शायद हम लोग कौन सा दुनिया में जो इतना ये सब, जो कि दूसरा लोग दूसरा स्टेट में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग का यहाँ में हाँ अभी भी ऐसे। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, जो हम लोग का यहाँ पे FFA बोल के एक ओके फॉरम खोला है, जो यहाँ का फिल्म इंडस्ट्री का, अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे हमारा जो हाली विलेज का वो प्रेसिडेंट है देन, और बहुत लोग है जो कि इस चीज को डेवलपमेंट ला रहा है, और हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट भी इस चीज को ध्यान दे रहा है कि कैसे करना है। तो मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा था, तकलीफ भी था, जंगल जाना पड़ता था, हम लोग को नीचे जू बहुत काट देता था, फिर मच्छर भी काटता था, कभी कभी स्नेक मिल जाता था, फिर ओह माय गॉड, कभी कभी बहुत बारिश, और हाँ बारिश में रहना पड़ता था पूरा ठंड में। तो फैसिलिटीज इतना नहीं मिला, लेकिन बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हम लोग जिस चीज में काम कर लेते हैं उसको हम लोग अपना खुद का जैसे फील करके, स्पेशली हम जिस भी काम में हम घुस जाता है तो कोई भी हमको साइन करता है, अपॉइंट करता है, देन वो प्रोजेक्ट मेरे लिए, मेरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी है कि हम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और हम बहुत ही इंटरेस्ट है मूवी के लिए, एक्टिंग के लिए, तो खुद पूरा एक्टिंग के लिए क्रेजी है, तो ऑब्वियसली एक्टिंग का कुछ भी रिलेटेड में हमको काम मिल जाता है, तो बहुत दिल से करते हैं। अच्छा था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा। और जो मूवी बहुत लड़कियों को रिजेक्ट किया है एंड तुझे चूज किया है, तो वहां पे क्या रोल था आपका? उसमें मेरा एक लेडी, एक औरत का रोल था, जो कि मेरा फर्स्ट हस्बैंड होता है, जो कि पहले में हम स्टोरी जो ना ऐसे था कि पुराना 1953 बैक में चला गया, हम लोग का फादर लोग, हम लोग का सीनियर लोग किसे उस समय में सरवाइव करता था, देन मेरा स्टोरी तो वही था कि एक वाइफ था, वो भी मेरा फर्स्ट पति था, फर्स्ट हस्बैंड को कोई और अलग बस्ती वाला लोग मार देता है, और वो पति को शायद हम इतना प्यार भी नहीं करते हैं, तो उसको मार देता है, देन गुंडा लोग, शायद वही गुंडा लोग आके मार देता है, तो हमको भी मारने के लिए शायद उन दोनों में कुछ लेन देन होने का वजह से मार देता है, तो हमको भी वो लोग सोचते हैं कि इसको भी मार देगा, खाई में फेंक देता है, तो उन लोगों को लगता है कि हम मर गए, हम नहीं मरते, एक्चुअली हीरो आके बचा लेता है, हम गच्ची में लटकते हुए रह जाता है, देन बाद में हीरो का साथ मेरा स्टोरी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाला में तो किसी का बीवी था, उसका हस्बैंड चला गया, देन सेकंड में जब हीरो आ गया मेरा जिंदगी में, हम दोनों एक दूसरे को संभाला, तो एक ये उसके बाद वो औरत का ही रोल था, एक उसके बाद एक बेटा हो जाता है हम दोनों का। अच्छा, देन लाइक सो इंटरेस्टिंग आपने बताया। सो और जानना चाहती हूँ कि लाइक आफ्टर डेथ क्या हुआ है? अच्छा, आफ्टर डेथ मेरा स्टोरी में ऐसे था कि मैं एक ऐसे वुमेन है, मींस ऐसे वाइफ है जो कि अपना पति को, अपना फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला, जो पति को कुछ भी हालत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस समय हम जब तकलीफ में था, हम इतना तकलीफ स्ट्रगलिंग कर रहा था, कोई मेरा साथ नहीं था, उस समय वो मेरा साथ दिया, एंड उसका जब तकलीफ होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे जंग छेड़ दिया था उस समय में, किसी के साथ फाइट हो गया, तो हम भी ऐसे हो गया कि फैमिली को भेज दिया, बेटा को भी भेज दिया, सेक्रीफाइस कर दिया उन लोगों को एक सेफ प्लेस में, सेफ जोन में, तो हमने उसका साथ नहीं छोड़ा, और एंड में उसका साथ इतना दिया है कि हम मरो जियो और यही मेरा लाइफ है, इसका साथ ही हमको मरना है, इसका साथ ही जीना है, देन गुंडा को भी मार देता है लास्ट में, क्योंकि हमको रिवेंज लेना था, मेरा फर्स्ट हस्बैंड को भी मारा है उसने, और मेरा जो हीरो है उसको भी उसने इतना तकलीफ दे दिया है, तो लास्ट में एंड में गुंडा को मैं मार देती हूँ, एंड देन आफ्टर ही डाइड देन हम खुद को भी मार देते हैं वहां पे, अभी जिए किसके लिए जिएगा, कोई है ही नहीं, तो वैसी स्टोरी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके हाँ जी, देन आपने बहुत सारा मूवी अनुचल मूवी क्या होगा? हाँ, उसके बाद मैंने मेरा तो फर्स्ट ब्रेक वही अरुणाचल का नेफा मूवी था, एंड उसके बाद मैंने निर्णय भी किया, जो टोको राजा सर का डायरेक्टर, टोको राजा कमदर सर है, तो उसका अभी तक नहीं निकला है, अभी तक मिस हुई लॉकडाउन, आप लोग को तो सबको पता है पूरा पेंडेमिक का वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है, हाँ देन जी, वो भी रुका हुआ है, हाँ वो रिलीज होना था मार्च सॉरी मई 24 को रिलीज होना था, तो नहीं हो पाया, उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा, एंड अभी और भी कर रहे प्रोजेक्ट, जो वो मेरा नेफा फिल्म के डायरेक्टर का साथी है पपिन सर का साथ, वो भी ऐसे ही बस्ती वाला रिलेटेड स्टोरी है, तो अभी वो 80% शूट हो गया, देन फिर ये लॉकडाउन का वजह से रुकना पड़ा, नहीं तो अभी तक रिलीज हो जाना था, तो अभी भी हाँ फिलहाल प्रोजेक्ट है। ओके देन आपको आपका फैमिली सपोर्ट कर रहा है?
हाँ, सबसे बड़ा बात, मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट हाँ करता है हमको, मेरा डू एंड डाई ओके अनकंडीशनली सपोर्ट करता है. कुछ भी, जैसे कि मेरा मूवी रिलेटेड, मेरा हमको कहीं जाना है शूट में या मॉडलिंग में, बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट करते हैं. कुछ भी मना नहीं करते हैं वो लोग, इवन हमको मिस ट्राई कर देते हैं, तुमको ये करना चाहिए था वो करना चाहिए, ठीक है ये कर लो, जैसे भी इसको तुम्हारा पेशेंस इस चीज में है, तुम मूवी के लिए बहुत पैशनेट है तो करो, जैसे भी करो मत छोड़ो, क्योंकि हर किसी को वो मौका नहीं मिलता है जो हमको मिला है. देन आई यूज उसको बहुत अच्छा से यूज करो, फैमिली सपोर्ट करती हूँ. ओके देन यहाँ पे कमेंट दिया है वो पढ़ लेता है एंड उसका नाम है तानिया यामी आमी। उसने लिखा है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग डाउन टू अर्थ एंड इंस्पायर आर्टिस्ट प्राउड ऑफ यू दी गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। थैंक यू आमिर, लव यू सो मच, थैंक यू. नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है लूको सोनवाल आई वॉच दिस शो एवरी सैटरडे संडे गेट टू सी वेरियस आर्टिस्ट। ओके थैंक यू सो मच मैसेज के लिए एंड नेक्स्ट मैसेज सुकन्या उसने लिखा है कि यू आर सो ब्यूटिफुल बार्बी डॉल। सो हाँ जी एना ये मैसेज सुकन्या, श्योर आपके लिए है क्योंकि यू आर लुकिंग एज ए बार्बी डॉल। देन उसके बाद एक सुकन्या, हम एक मैसेज शामिल करना चाहती हूँ अनु उसने लिखा है कि हाय एना। सो हाय, हेलो, थैंक यू सो मच जिसने ये कमेंट किया है। देन अभी नेक्स्ट सवाल थैंक यू. पूछना तो नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि लाइक योर फैमिली सपोर्ट बहुत सपोर्टिव है राइट। हाँ, देन बहुत सपोर्टिव. अभी लाइक इफ आई गो लाइक पर्सनल बातें करूँ अगर लाइक इफ आई गो इन मैरिज सो मैरिज पे कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ नो नो लाइक नो, इट्स योर ओके, व्हाई नो शुड आई योर प्रॉब्लम हाँ जी. ओके योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ सपोर्ट कर रहे कि नहीं ये चीज में ये लाइन पे मॉडलिंग एंड एक्टिंग कैरियर पे। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला वही है कि आई एम सो मच लकी पर्सन, कि हम बहुत लकी और ब्लेसिंग जो मिला है. मेरा मैरिज रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली मींस फेब्रुअरी को हुआ था, 16 को. तो बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट ऑल्सो मेरा फैमिली हमको बहुत सपोर्ट करता है. मेरा मॉम डैड, जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, मेरा पूरा परिवार हमको इतना सपोर्ट करते हैं. हस्बैंड भी मेरा, जो मिस्टर है, उसका नाम मार्गे कमदक है, वो भी बहुत, वो तो वो ही मिस, हम कभी कभी सूट जाने के लिए थक जाता है, टायर्ड हो जाता है एंड देन बोर हो जाता है, तो हमको ऐसे नहीं करना है, तुमको ये करना है वो करना है, हमेशा मूवी दिखाता है हमको, रात को भी पुराना पुराना इतना मिस ऐसे मूवी दिखाता है कि हमको बोलते हैं तुम ये मूवी देखो, इसमें से तुमको ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में रियल एक्टिंग क्या होता है, मेथड एक्टिंग क्या होता है, तुमको कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है. वो इज वेरी सपोर्टिव एंड मोम एंड डैड को तो पूछिए मत, अपना बेटी से ज्यादा प्यार करता है. मेरा फादर इन लॉ का नाम जुमर कामदा एंड डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर है व्हाइट रूम में, एंड देन मेरा मदर है, मदर इन लॉ है, उसका नाम त्वचा कामदा, जो सेक्रेटरी ऑफिस में है, वो गैजेट ऑफिसर. सो दे आर वेरी सपोर्टिव. हम इसलिए ना खुद का खुद को तो पता है लकी है ही है, कोई लड़की ऐसे नहीं होता है कि आफ्टर मैरिज के बाद भी इतना फुल सपोर्ट मिलेगा वो लोग हमको, क्योंकि मेरा काम को देख के उनको लगता है कि शायद ये सीरियस है इस चीज में, ये एक्टिंग करियर में बहुत ही सीरियस है. तो मॉम डैड कभी नहीं रुकाता है, हस्बैंड भी नहीं रुकाता है, इवन शूटिंग का दिन में भी हम 10-12 लड़का का बीच में भी रहो, उतना बॉन्डिंग ट्रस्ट होता है कि नहीं यू अपना काम करके आएगा, जैसे काम करने के वैसे काम करने के लिए आएगा. ऐसे सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिलते हैं, स्पेशली हमारा यहाँ पे. और जानवी, आई लेट यू नो कि हम एक बात बताते हैं कि हमारा यहाँ पे ऐसे होता है एक चीज, मेन प्रॉब्लम कि मैरिड हो जाने के बाद आदमी लोग और इवन रिलेशनशिप में होने से भी छुपाता है, कि नहीं बताने की कोशिश नहीं करते कि क्यों तुम शर्म कर रहे हैं, लड़की लोग इवन लड़का लोग, अगर तुम मैरिड हो या तो तुम्हारा किसी से रिलेशनशिप है जो तुम दिल से प्यार करता है, तुम उसको जेन्युइनली हर किसी को बोलो या अपना पार्टनर को भी बताओ कि हमको ये करना है जो कि हमको बहुत पसंद है और हम इसके लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए इतना मेहनत की है, तो उसको वेस्ट क्यों, बेस होने क्यों देगा थोड़ा सा वो रिलेशनशिप में. तो मेरा रिलेशनशिप मेरा हस्बैंड के साथ एंड मेरा इन लॉज के साथ बहुत ही अच्छा है, क्लीन से, जो कि वो लोग भी हमको ट्रस्ट करते हैं, हम पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एंड बहुत फुल सपोर्ट करते हैं. और यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि अगर आप शादी हो गया तो आपको
काम नहीं मिलेगा, मीन्स ऐसे टाइप का। इसलिए हर कोई डरता भी है, वो हम समझ रहे हैं, पर उस चीज को तो, सोच को तो बदलना है। देखो पहले भी बहुत लोग पूछे हैं, आप मेरे के बाद फिर मूवी करेगा ना, चोरेगा? हम बोले देखा, हम तो चोरने वाला नहीं है। ऐसे मत सोचो कि एना टाइम शादी हो गया, लड़का ले लिया, वो मूवी लाइन से हट जाएगा। नहीं, आई विल डू, आई विल ट्राई। जो भी हमको मिलता है, जो भी हमको कुछ, कोई भी प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर चूज करेगा, डायरेक्टर चूज करेगा कि क्या तू मेरा इसमें काम करेगा, चाहे छोटा सा रोल हो, बड़ा सा, जो भी हो, तो हम ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि यही मेरा काम है, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छा लगता है इसको करने के लिए। तो वही है कि हम उसमें भी, हमको पूछा, हम बोले हम नहीं, हम तो चलेगा नहीं। अगर अब तो बिकम मॉम ऑल्सो, आई विल डू माई एक्टिंग करियर, आई विल कंटिन्यू माई एक्टिंग करियर। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इंस्पायर होता देखो, गेल के जो सुपर वुमेन, वंडर वुमेन का जो हीरोइन, उसका भी बच्चे ही, लेकिन भी उसको नहीं लगती, क्योंकि वो आपका ऊपर है, आप किस तरह से अपने आपको मेंटेन करना है, कि आप प्रोफेशनल और आपको पर्सनल, आप अपना प्रोफेशनल में आप कैसे रहने हैं, एंड पर्सनल आप घर पे कैसे रहने हैं, और आप ऑफिशियली अपना ऑफिस का वर्क एंड फ्रेंडशिप का साथ, दोस्त लोगों का साथ, हर किसी के साथ आपको काम करने का एक ये होता है पैटर्न, जो आप अपना आपको उस चीज में एडजस्ट कर सकना है। ये नहीं कि आप शादी हो गया तो हम नहीं करेगा, वैसे नहीं है। अभी तो अभी अभी जनरेशन चेंज हो रहा है, एंड देन मूवी बोला जाए तो हॉलीवुड में भी तो ऐसे होता है कि अभी लुक्स डजंट मैटर, कि आप क्या उम्र है, कैसे देखते हो, मोटा है, नाटा है, काला है, लंबा है, पतला है, वो सब इतना नहीं देखता है, कि अभी रो टैलेंट को ले रहे आदमी लोग, और जो एक्चुअली ना, जो सही कैरेक्टर जहाँ पे बैठता है उसी को लेगा आदमी लोग। तो इसलिए शादी में मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, एंड बहुत अच्छा है। ओके देन लाइक अभी एक्टिंग आप तो लाइक शादी का बात तो छोड़ने वाला नहीं है, बट लाइक थोड़ा पहले आपने बोला कि लाइक आपने LLB भी कर रहा है, सो उसका क्या प्लानिंग है? एक्चुअली हाँ, लो करना तो जरूरी है, क्योंकि अभी का जनरेशन में जैसे कि हम लोग का यहाँ पे विलेज का ज्यादा लो चलता है, गांव बूढ़ा लोग का, जो जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम होने से, फैमिली में भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में कुछ एक सोसाइटी आता है, वो सोसाइटी आता है, तो इसे करके बात तो होता है, वो चलेगा कंटिन्यू। पर मेरा परसेप्शन, मेरा खुद का मानना है कि अगर हम अभी कमिंग जनरेशन के लिए अभी से हम प्रिपेयर कर लेगा लो में, कुछ एटलीस्ट हमको लो कुछ जानेगा, हम तो आगे बढ़ सकेगा कुछ भी फील्ड में, मेरा बिजनेस हो या मेरा कुछ भी पर्सनल हो, प्रोफेशनल है, उस फील्ड में जाने के लिए। तो कभी, और लड़की आदमी को हर हर समय अपने अपना अपना आपको हमेशा तैयार करना चाहिए एक एडवांस से, कि कुछ भी आप आदमी, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप कमजोर है, आप उस समय भी कुछ नहीं जानने से भी आपको राइट में बात कर सकना चाहिए, कि आपको और आपका फैमिली, आपका देवन, आपका पेरेंट्स, आपका फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स को कोई कुछ नहीं बोलने के लिए। तो लो ट्राई, लो पढ़ाई कर, ऑब्वियसली लो ओके मेरे। अच्छा देन अभी ये फिलहाल अरुणाचल में लाइक फिल्म इंडस्ट्री का क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, बहुत थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, तो अभी अरुणाचल पे क्या हाल है वो फिल्म इंडस्ट्री की? अरुणाचल की फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली डेवलप हो ही रहा था, ये कोरोना आने का वजह से सबका जिंदगी कोरोना कर दिया, तो यहाँ पे अभी हाँ प्रोग्रेस ओके होना चालू हो गया, अभी स्टार्ट हो रहा है प्रोग्रेस होना। यहाँ का मूवी मेकर्स लोग अभी, वो लोग जो इक्विपमेंट्स जो यूज कर रहे हैं, वो लोग मूवी में किस तरह से एडिट करना है, पहले में तो कलर का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, पिक्चर भी इतना ठीक नहीं था, रेजुलेशन ये सब कुछ वो सब इतना ठीक नहीं था, बट अभी उन लोग को भी पूरा प्रोफेशनल वो लोग करना शुरू हो रहे हैं। और लॉकडाउन में भी अभी अभी तो यहाँ पे खुल चुका है, जो सेफ्टी अच्छा मेजरमेंट रूल्स हाँ को लेके, डिस्टेंसिंग करके, सैनिटाइजर एंड मास्क वास्क पहन के, तो आदमी लोग काम करने में कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा क्रू और कास्ट ज्यादा नहीं करके, वो लोग थोड़ा मोड़ा होके भी करने में कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने शॉर्ट मूवी और एल्बम्स लोग रिलीज होने वाला देखा है, जो अपना अपना ही ये FAP का मेंबर्स लोग है, सीनियर लोग है, मेरा डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एक्टर्स लोग सब लोग हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, वो लोग अभी तक रुका नहीं, काम तो चालू हो रहा है। जो मेन लॉकडाउन का समय में तो उसमें तो किसी को निकलना मुश्किल था, देन अभी तो अपना रिस्क में लेके, इतना क्रेजी है यहाँ पे मूवी मेकिंग करने वाला लोग, मूवी बनाने वाला जो आर्टिस्ट लोग है, अच्छा सब लोग मिलके वो लोग अपना जान को जोखिम में डालते हुए भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं अपना तरफ से टेस्ट देने के लिए, वो लोग कर रहा है अभी भी, सूट वूट हो रहा है फिलहाल। अच्छा अभी फिलहाल ये जो फिल्म इंडस्ट्री अभी अच्छा चल रहा है ना? हाँ अच्छा ओके चल रहा है, बहुत हाँ प्रोग्रेसिव हो रहा है, आर्टिस्ट लोग भी बहुत अच्छा कॉमर्स आ रहा है, बहुत टैलेंटेड
गुड लुकिंग, सब कुछ जानते हैं वो लोग को, इतना बोलने का जरूरी नहीं। पहले में थोड़ा नया होने से प्रॉब्लम होता था, अभी इतना वो नहीं है। अभी का वाला लुक खुद ही जान गए कि कैसे करना है बोल के। तो एक सेकेंड, अभी का वाला आर्टिस्ट लुक जितना भी है वो लोग ऑलरेडी पॉलिश वाला है, जितना आ रहा है वो लोग खुद को सेल्फ पॉलिश करके आके उनको डायरेक्टर से ओके लेके यस इतना। पहले में होता था तो अभी नहीं, अभी तो बहुत टैलेंटेड वाला लोग आर्टिस्ट भर्ती है। अच्छा तो आपने वीडियो एल्बम बनाया है? हाँ, मैंने एक पहला मेरा वीडियो एल्बम जो ज्योतिमाला जो सिस्टर है उनके साथ था, एक उनका ताई आहूम वीडियो एल्बम था, और जुबिन दा ने सिंगर वॉइस मेल में दिया, जुबिन दा का था, तो मैंने वो एल्बम बनाया है। एंड यहाँ पे तो मैंने मेरा फर्स्ट ब्रेक, हम 2019 में यहाँ पे, सॉरी 18 का लास्ट में मैंने यहाँ पे आके तो नेफा मूवी करके, देन वो मेरा फर्स्ट अरुणाचल फ्यूजन में ब्रेक है। एंड अभी तक एल्बम नहीं बना है लेकिन प्रोसेस में है अभी। अच्छा हाँ देन फिर मैंने सुना है कि लाइक आपने अवार्ड भी जीता है, उसके बारे में कुछ जानना है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, जो मेरा मूवी था नेफा का, तो इसमें हम लोग का यहाँ पे एफएफए का जो फिल्म फेडरेशन अरुणाचल का जो ये ग्रुप, ये जो ये हम लोग का जो ग्रुप है उन लोग एक ऑर्गेनाइज किया था, ये हर साल करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो था अवार्ड शोस, जो अवार्ड देना है बोल के उनको रिकॉग्नाइज देना है बोल के आर्टिस्ट लोग को। हाँ, मुझे नेफा मूवी के लिए मुझे दो अवार्ड मिला, एक तो निसी आर्ट एंड कल्चर उनका तरफ से भी एक मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, एंड नेफा से भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जो फर्स्ट एवर इन अरुणाचल प्रदेश। और उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वही शायद मेरा एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है जो अभी कभी नहीं भूलेगा, जो मेरा मूवी का। और फर्स्ट फर्स्ट इज द फर्स्ट ना, हर चीज फर्स्ट जो फर्स्ट ही होता है। आप फर्स्ट टाइम आपको यहाँ का कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बुद्धि हो जाएगा या तो नहीं रहेगा पता चलेगा हु वाज द फर्स्ट हीरोइन बेस्ट एक्टर इन अरुणाचल प्रदेश बोले, शायद मेरा नाम आएगा होगा एना टाइम। तो उसके लिए बहुत खुश है उसको, वो अचीवमेंट जो हमको मिला है दो अवार्ड, तो बहुत खुश है उसके लिए। तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जानवी। अभी लाइक थोड़ा सा बैक आती हूँ, लाइक यंग डेज की बात करूँ अभी। तो अभी फिलहाल शादी तो हो गया है, बट हाँ मैं जरूर पूछेगा कि लाइक आपका लाइक फर्स्ट लव कौन है? फर्स्ट लव, वो तो टीनेज का बात है, टीनेज का टाइम पे हाँ ठीक था, एक कोई था, अभी तो वो भी मे बी मैरिड हो गया होगा, आई डोंट नो। फर्स्ट लव ओके था, क्रश था। उसके बाद उस समय तो हर कोई नादान होता है, वो होना भी चाहिए टीनेज में, किसी को देखते ही पता है ना, कोरियन मूवी ज्यादा देख के उपा वाला कोरियन मूवी ज्यादा देख देख के अलग सा क्लास का सबसे प्यारा लड़का देखेगा तो। लेकिन मेरा स्टोरी ऐसे है कि मेरा ग्रुप में मेरा पांच फ्रेंड था, मेरा क्लास 10 से लेके 12 तक, हम लोग ने एक ही लड़का को, पांच ही लड़की के साथ ओह माय गॉड ऐसे था, पांचों का वही उसी को चाहिए, कौन मिलेगा कौन मिलेगा। बाद में देखा किसी को मिला ही नहीं, वो किसी और का साथ चला गया। इवन बस में भी, स्कूल बस में बैठ, वो दूर में बैठने से भी सब पांचों दूसरे को, तेरा नहीं मेरा है, मेरा है तेरा नहीं, बोल ऐसा टाइप का टीनेज वाला इनोसेंट वाला प्यार था। तो बोला कभी नहीं, ओके जस्ट क्रश था, बोल ही नहीं पाया कभी, क्योंकि एक जो सोचता है कि अगर हम उसको बोल देगा तो शायद मेरा फ्रेंड लोग का प्रॉब्लम होगा। फिर ऐसे करते करते हम लोग अच्छा पांच लोगों ने बोला उसको, ऐसे आज तक और जब याद आता है तो बहुत हंसी लगता है, फनी लगता है मोमेंट को, टीनेज वाला देन कुछ दैट इनोसेंट कुछ नहीं जानता है। हाँ, गाय सो लकी कि आप पांच फ्रेंड उसको एक ही लड़का को पसंद किया है जो हाँ देन अभी लाइट जरूर आपका मिस्टर तो सुन रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा नहीं, आई थिंक यू नो प्रॉब्लम, वो लोग अंडरस्टैंडिंग ना? वाला है, अंडरस्टैंड है, बहुत करते सपोर्ट करते, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ देन यू आर वेरी लकी कि आपको बहुत सपोर्टिव वाला हस्बैंड मिला है एंड फैमिली भी मिला है आपको। अच्छा फिर मैं जानना चाहती हूँ और मूवी के बारे में कि लाइक नेक्स्ट मूवी कब आ रहा है? नेक्स्ट मूवी जो अभी 80% हो चुका है, एंड उसका और थोड़ा शूटिंग करना बाकी है, डबिंग वबिंग देना है, एडिटिंग का, तो वो शायद मे भी विंटर तक आ जाएगा। और निर्णय तो ऑलमोस्ट डन है,
वो भी आने वाला है। वो तो मेगा 24 को रिलीज डेट था, बट ड्यू टू लॉकडाउन तो उसका पोजीशन नहीं हो पाया। वो भी शायद नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। तो वैसे अच्छा, इसीलिए मुझे आप डेट नहीं मिला अभी तक, फाइनल डेट ओके सॉरी डेट नहीं मिला, बट आई थिंक शायद उतना तक आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ग्रुप में पूछताछ तो करते हैं कब रिलीज होगा, क्योंकि इतना मेहनत कर लिया, इन लोगों को भी दिखाना है अपना क्या हाँ क्या किया, हाँ कौन आर्टिस्ट ने कितना हार्डवर्क किया है। तो इसलिए तो आर्टिस्ट लोग शूटिंग कर हो जाने के बाद बहुत वेट कर, मीन्स एक्साइटमेंट होता है कि जल्दी आ जाओ फिल्म, मीन्स पूरा यहाँ पे जल्दी पब्लिक के सामने जल्दी पहुंचो, जल्दी दिखाओ, ताकि पता चले कि हम में भी कितना टैलेंट है, और लोगों को पता चलना है कि ये भी ये कर सकता है। देन सब आर्टिस्ट लोग हमेशा क्यूरियोसिटी है होके डायरेक्टर को पूछता है सर कब रिलीज करेगा हम लोग का मूवी, जल्दी करो, हम लोग बुढ़ा बुढ़ी हो रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे टाइप का। वहाँ का जो अरुणाचल है बहुत सपोर्टिव यस, बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करता है यहाँ पे, जितना भी ये मूवी इंडस्ट्री है, और इतना भी बड़ा नहीं हम लोग का, अभी तक तो जस्ट स्टेप वन बाय वन में जा रहा है, थोड़ा उठ रहा है हम लोग का ये अरुणाचल मूवी इंडस्ट्री। एक दूसरे को अच्छा से पहचानते हैं, अच्छा से पता है, तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी एक का जैसे करना भी चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि हम लोग फैमिली है, वी आर फैमिली मेंबर, क्योंकि एक ही फील्ड में है, एक ही इंडस्ट्री में है, तो ऑब्वियसली किसी एक का मूवी आ रहा है तो करना चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि उनको भी उस समय हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करना है, करता भी है। और कोई कोई को समझ में नहीं आने से भी, मेरा हिसाब से अगर मेरा अरुणाचल का जितना भी आर्टिस्ट लोग, फिल्म मेकर्स लोग, मेरा फ्रेंड्स लोग देख रहा है, तो प्लीज आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और सबसे ज्यादा सपोर्ट हम लोग को फैंस से मिलता है, हम लोग का हाँ जो ठीक है, पावरफुल फैंस है, विदाउट फैंस वी आर नथिंग। तो आप लोग को सपोर्ट करना, इसी तरह प्यार देना है। और यहाँ पे मीन्स लैंग्वेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा लैंग्वेजेस है, तो हम लोग यही वाला हिंदी को यूज करता है, देन ये वाला हिंदी, इसी जो हम जो बात कर रहे हैं, ये वाला हिंदी में अगर मूवी बनता भी तो बहुत लोग ट्रोल भी करता है, कैसे वाला बात कर रहे हैं, कैसे वाला हिंदी यूज कर रहे हैं, शुद्ध यूज करना, अगर कोई शुद्ध लगा देता है, मैं हाँ जाऊंगी खाऊंगी करती हूँ आती हूँ, अगर ये भी लगा लिया है तो भी तभी भी प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ का लोगों को। तो इसलिए जो है हम लोग जैसे है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और कुछ चीज चेंज करने जा रहा है, जैसे कि यही लैंग्वेज का भी रखना पड़ेगा जो हम हिंदी बात कर रहे हैं, तो उसी को एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है यहाँ पे, क्योंकि बॉलीवुड बहुत देखता है इन लोग, और हॉलीवुड भी देखते हैं, कोरियन भी देखते हैं, बाहर का मूवी देखते हैं, तो हमारा यहाँ का ऑडियंस का भी शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है कि हम लोग का मूवी का इंडस्ट्री में भी शायद लैंग्वेजेस चेंज होना चाहिए, लेकिन हमको लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें उसी को ही करो, उसी से एक्सेप्ट करो, तो दुनिया को भी पता होना है कि यही हम लोग का कॉमन लैंग्वेज है अभी। हाँ जी, आपने बोला है कि लाइक ट्रोलिंग, सो ये ट्रोलिंग जब किया है तो आपको लाइक असर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ट्रोलिंग में मेरा इतना असर नहीं होता है, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, किसी पर्सनल ट्रोल अभी तक नहीं मिला, बहुत लकी है, थैंक गॉड, मे बी फ्यूचर में मिलेगा होगा, आफ्टर दिस भी मिलेगा होगा, आई डोंट नो, बट होपफुली कुछ काम गलत करेगा तो ऑब्वियसली ट्रोल मिलेगा, बट ट्रोल तो होता ही है थोड़ा मोरा, जैसे कि कॉस्ट्यूम में हो जाता है, मेकअप में हो जाता है, जैसे हमारा मूवी में डायरेक्टर को शायद ट्रोल किया होगा, शायद प्रोडक्शन हाउस को ट्रोल किया होगा कि ये होना चाहिए था, ये नहीं किया, डायलॉग ऐसे होना था, नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो बोलता है बेचारा ये ऑडियंस लोग भी, वो लोग का भी क्या गलती, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्टेशन हाई रख रहा है, जबकि एक्सपेक्टेशन हाई रखने के लिए रीजन ही नहीं, क्योंकि हम लोग का यहाँ में कुछ भी चीज इतना डेवलप नहीं है अभी तक, अगर कॉस्ट्यूम ऐसे पहना है तो वो भी मैनेज किया, अगर किसी का मेकअप फीकने का, डायलॉग फीकने का, हर एक चीज को मैनेजमेंट करके आर्टिस्ट लोग तो जो जैसे बोलेगा डायरेक्टर जैसे डायरेक्ट करेगा वैसे करेगा, ट्रोल भी होता है, इफेक्ट भी होता है, दुख लगता है कि हम लोग इतना दिन रात घर को छोड़ के, अपना लग्जरीस वाला लाइफ को छोड़ के, घर में आराम से बिताना था वो सब छोड़ के ये फील्ड में घुस गए, और दूसरा को एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक लोगों को कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मूवी के थ्रू, देन वहां पे थोड़ा बहुत ट्रोल होने से दुख लगता है, ऐसे तो नहीं बोलना था, पर क्या करेगा, पब्लिक ऑडियंस है, उन लोग का भी अपना अपना व्यू है, उन लोग का अपना अपना ओपिनियन है, वो भी देगा, तो हम लोग को लेना चाहिए, और ट्रोलिंग का लेने का हैबिट कर लेना चाहिए एज ए आर्टिस्ट, क्योंकि मिलते रहेगा, आप प्यार करने वाला भी बहुत मिलेगा, एंड देन आपको ट्रोल करने वाला भी मिलेगा, उस चीज को नेगेटिव नहीं लेना है, लेने से आप हम बैठ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो ये। हाँ वो तो जरूर। अभी फिर मैं हम मॉडलिंग
पे जाती हूँ बैक टू मॉडलिंग। सो जब आपने रैम वर्क किया है तब आपको लाइक हैवी मेकअप लेना है, देन इसके बाद ड्रेसेस। सो लाइक कभी और फील हुआ क्या कि लाइक शॉर्ट ड्रेस आपको दिया गया है कि देन बट यू फील सो अनकंफर्टेबल अबाउट द ड्रेस। सो कभी वो फील आया है क्या कि नहीं ये ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी, देन वही हैवी मेकअप आपको लेना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू वेट फॉर द शो फॉर 2-3 आवर्स एंड यू हैव टू वेयर दैट इंचेस इंचेस ऑफ हील्स। हाँ यार, स्टिल आई रिमेम्बर दैट आई हैव 7 या 8 इंच का हील है, बहुत हाइट है. देन हाँ ऐसे जी कुछ नहीं, हाँ इतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि आपको अगर ये आप कुछ भी फील्ड में अगर आप घुस जाते हो, आपको मॉडलिंग पसंद है, तो ऑब्वियसली हम मॉडलिंग क्यों करने आए, क्योंकि हम, मेरा इसमें रीजन ही नहीं है कि जो डिजाइनर अगर हमको बिकनी भी दे जाता है, जो भी मिस छोटा 2 पीसेस वाला होने से भी हमको उसको कैरी करना है, लेकिन बिकनी में अभी तक अभी मॉडलिंग तो किया नहीं, आज तक साइन नहीं किया. बहुत ऑफर आया, बट जो जितना भी रैम वर्क किया, आपको कॉस्ट्यूम हेवी दो या शॉर्ट दो, जो भी एंड मेकअप भी जो भी हो, आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप उस पे वो प्रोजेक्ट का आप मेंबर बन जाते हैं, आप साइन कर चुके हैं. देन आपको एक वंस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तो आप करना ही पड़ेगा. ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको मॉडलिंग इंटरेस्ट था, मॉडलिंग करना है, मॉडल बनना है, तो घुस गया है, देन हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे. अच्छा, जब आप रैम वॉक पे चलती है देन आप कौन सा इंचेस हील पहनते हैं? यू टोल्ड जस्ट नाउ यू टोल्ड लाइक 7-8 इंचेस, सो तब 7 inches heels. 7। ओके, देन प्रॉब्लम हुआ है लाइक यू हैव टू वेट फॉर द शो, लाइक वो हील पे आपको वेट करना पड़ रहा है दैट 7 इंच पे, तब आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ, दानवी, फनी थिंग्स दैट कि जब हम लोग एक बार शो कर रहा था, बैक स्टेज में था, तो हम लोग मॉडल्स लोग क्या करते हैं, जिसका हील कंफर्टेबल है, जो अच्छा लगता है, रोज पहनता है, देन वो लोग तो पहन के खड़ा हो देता है. और जो हम लोग, मेरा एक दो फ्रेंड है, मोनालिसा मेरा बेस्ट फ्रेंड था, देन हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे को खुलो, जब लाइन में क्यू में होता है ना, हम लोग को जाना पड़ता है एक बैक स्टेज से, हम लोग क्या करते हैं कि अपना ये को पता पत लेके खड़ा होके चुपचाप पाव को रिलैक्स करते हैं. दैट इज क्लेवर, क्योंकि क्लेवर होना चाहिए, क्योंकि हाँ दो बार आपको अभी लाइन रिहर्सल होता है, तो रिहर्सल में भी हील पहन के चलना पड़ता है कॉस्ट्यूम के साथ, एंड देन आपको रेमवॉक भी, रनवे में भी जाना पड़ेगा, तो उसमें और टायर्ड हो जाएगा, जो बॉडी में इफेक्ट होगा एंड फेस में अच्छा नहीं आएगा, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा. तो हम लोग हील नहीं पहनता है, जब स्टेज से जाने से पहले हम लोग स्टेज में अपना हाथ में हील को पकड़ के रखते हैं, चुपचाप खड़ा था, जब मेन टाइम आ जाता है 2 मिनट्स पहले, तो पतापत अपना अपना हील लगा लेते हैं, तो पूरा बदन में फिर से पावर पूरा ला के, पावर रिगेन करके तो एंजॉय करते हैं. ओके, देन कभी भी किसी को ग्रूम किया है आपने? हाँ ग्रूम, हाँ मैं ग्रूम भी करती हूँ, जैसे ओके कि रेमुआक में कैसे करना, टोस्ट भी बहुत किया था यहाँ पे अरुणाचल में, जैसे कि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल होता है, तो यहाँ ओके पे मॉडलिंग का जो रेमुआक भी होता है, कुछ फैशन शो होता है, तो फैशन शो में भी हाँ मैंने बहुत लड़की, इवन मेल को भी ग्रूम किया, कैसे वॉक करना है, ओके मेल का मेल को भी पोस्चर ग्रूम कैसे, किया? फिर अच्छा फीमेल का कैसे होता है, न्यू पूरा रो जो कभी हील पहना नहीं, उसको भी ग्रूम करके बहुत अच्छा से उनको रनवे में ओके वॉक करने दिए. हाँ ग्रूमिंग में भी एक्सपीरियंस है. अच्छा, देन तब थोड़ा सा लाइक मुश्किल तो हुआ होगा क्योंकि जब नया नया लोगों को ग्रूम करना वो तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा। हाँ बहुत, थोड़ा सा नहीं, बहुत तकलीफ, क्योंकि उन लोग ओके पोस्चर कैसे करना होना है, फिर पाव को टी शेप करना है, और चेस्ट को आगे करना है, फिर हाथ को ये शोल्डर को स्ट्रेट करके, फिर नेक को भी पूरा स्ट्रेट, फेस को भी, उन लोगों को बहुत तकलीफ होता था, कभी कभी उनको टाइम लग जाता था, बहुत टाइम लग, खुद भी एफर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अगर शो में लिया और उसको शो करना है, फिर डिजाइनर लोग भी बोलते हैं इसको लेना है, फिर ऑर्गेनाइजर लोग भी हाँ ये लोग को लो, ये लोग को कराओ शो, तो ऑब्वियस तकलीफ तो होता है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन एंड में तो अच्छा ही लग जाता है, क्योंकि एंड में तो सीख ही जाता है, क्योंकि तकलीफ थोड़ा होने के बाद तो अच्छा ही लगता है. अच्छा, जो आपने ग्रूम किया है तो आपके साथ कैसा बिहेव करता है? अच्छा बिहेव करता है क्योंकि लाइक हाँ यहाँ ऑब्वियसली का तो थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा ऐसे ग्रूमर, तो लाइक आप वो लोग आपको रिटर्न कैसा ट्रीट करते हैं? नहीं, मेरा आज तक, आई मीन्स हमको, आई एम सो ग्लैड दैट कि हमको जितना भी ओके मिला है अभी तक, जितना
जूनियर्स लोग मॉडल है जिसको मैंने ग्रूम किया, जिनको मैंने गाइड किया, वो लोग हम मेरा साथ बहुत ही रिलेशनशिप अभी तक बहुत अच्छा है, टच में है। एंड ग्रूमिंग का टाइम में भी जिस जगह पे, मैं तो फर्स्ट में बोल देती हूँ कि इस ये अभी हम गाली देगा या कुछ भी बोलता है तो उसको खराब मत पाओ, क्योंकि तुमको फोकस करना है, सीखना है कि नहीं, वो लोग बोलते हैं सीखना है। हाँ तो वो उस समय तो थोड़ा बोला, अगर गलती की है तो गलती की है बोलना है, क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है तो आप नहीं बोला तो वो भी गलत है ना, तो कभी सीखेगा नहीं। तो हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट करता है, देन आफ्टर दैट रिहर्सल होने के बाद तो बहुत कूल से रहता है सब लोग, एना दी बोल के सब लोग प्यार करता है, एंड घर में भी मिलने आता है। अभी तक रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा, अभी जो फर्स्ट एक मैसेज दिया है ना तानिया यामी, वो भी मेरा बहुत स्वीट सिस्टर है, तो वो भी मॉडलिंग कर रहा है, ओके तो उनका साथ भी बहुत आज तक मैं हम दोनों मॉडलिंग के थ्रू में मिला था, देन ऐसे हो गया, रिलेशनशिप अभी भी बहुत अच्छा है। ब्लड से रिलेशनशिप नहीं होने से भी हम दोनों का हार्ट से बहुत रिलेशनशिप, एज ए सिस्टर्स हम लोग बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा अभी तक। और बहुत लोग है जो जूनियर लोग टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, टच में रहता है, कभी मेरा साथ मेरा जूनियर लोग जिसको मैंने सिखाया ग्रूम किया है, आज तक मुझे ऐसे मिसबिहेव कोई नहीं किया, उन लोगों का साथ मेरा रिलेशनशिप एक अच्छा से शुरू से बिल्डअप कराया। अगर कभी मेरा बात से बुरा लगता है तो खराब लगता है तो प्लीज उसको ऑनेस्टली बताओ ताकि हम समझ में आए, अगर कुछ चीज तुमको प्रॉब्लम होता है तो हमको बोलो। और सोच मेरा मेरा उनका साथ सिर्फ रिलेशनशिप इतना उनका साथ अच्छा होते होते साथ ही साथ मेरा जितना भी मॉडल्स लोग का साथ, जूनियर्स लोग के साथ, उनका मॉम डैड उनका फैमिली का साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो लोग उसका पेरेंट्स लोग भी हमको बहुत भरोसा करते हैं, अनधिका सो है अनधिका साथ जाएगा तो होगा जाओ, जबकि जो लड़की को जाने के लिए स्ट्रिक्टली जाने नहीं देता पेरेंट्स लोग भी रात रात को। और हम लोग का जब शो होता है तो हम आफ्टर शो कराने के बाद वो लोग का अपना अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद, रिफ्रेशमेंट खा लेने के बाद, सबको जितना अगर 10-12 लड़की है उसको मैं सबको इकट्ठा करके ले उसको पहुंचा देते हैं घर में, एक एक को अपना अपना पूरा जगह में घर में पहुंचाने के बाद पेरेंट्स को भी मिलता है, हाँ पहुंचा दिया आप चिंता मत करो। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक करना चाहिए, एक तभी जाके हम लोग का यहाँ का मेंटेलिटी, तो मॉडलिंग करता है तो शायद किस टाइप का लड़की होगा, पार्टी जाता होगा, ये गलत काम करता होगा, तो वो सोच को भी बदलना है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ मॉडल है बहुत एटीट्यूड होगा, बहुत हाई फाई होगा, उसका थिंकिंग बहुत अलग होगा और कैरेक्टर थोड़ा खराब होता है होता होगा, ऐसे सोचते हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं है। बहुत लोग है जो कि मेरा ग्रुप में मेरे जूनियर लोग, वो लोग दारू तक भी नहीं पीता है, कुछ भी नहीं पीता है, इवन वो लोग ना पार्टी जाता है, उनको काम करना है, और बहुत रिलीजियस लोग है जो कि भगवान को विश्वास करता है, घर में फैमिली में अच्छा है, लेकिन वो लोग कभी ऐसे काम नहीं करता है जो कि आदमी लोग का सोच, क्योंकि उन लोग को हम यहाँ का आदमी लोग का भी गलती तो नहीं है क्योंकि ये दुनिया देखा नहीं, उन लोग अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आके पेरेंट्स लोग भी भरोसा करते हैं, हाँ आना का साथ दिया है तो कुछ नहीं आ जाएगा सही सलामत, तो ऐसे करके फैमिली लोग भी हमको बहुत प्यार करते हैं। देन अभी लाइक एक एक करके लाइक हिडन टैलेंट भी जान रहे, सो और जानना चाहते क्या क्या हिडन टैलेंट है। हिडन टैलेंट्स क्या क्या है जो भी है वो यही है, क्या है सब यही है। ऐसे तो मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है जो मेरा हॉबी है, एंड हाँ फ्लावर फूल लगाना बहुत अच्छा लगता है, एंड मैंने पोत बनाने भी सीख रहा है, सेरेमिक पोत जो बनता है ना, तो पोत बनाने भी सीख रहा है, एंड मैंने टॉवल का भी बहुत सारा पोत बनाया है, और फ्लावर बहुत घर में तो पूरा फ्लावर्स फ्लावर फ्लावर्स फ्लावर्स लगाता है, एंड और डिजाइनिंग थोड़ा घर के लिए सीख रहा है, और ऐसे ही और नहीं है थोड़ा मोड़ा, बहुत चीज में हॉबी है, वो हॉबीज है, लेकिन टैलेंट पता नहीं टैलेंट क्या। हाँ देन बहुत चीजों में इंटरेस्टेड है आपको। अच्छा देन इसके बाद और अभी हाँ हाँ जी बोलिए। तो मीन्स अच्छा मेरा ऐसे कि हमको कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए अच्छा लगता है, कुछ भी चीज मेरे लिए मीन्स हमको ये जानना है, हमको ये सीखना है, हमको ऐसे नहीं बैठना है, जैसे बहुत लोग बहुत लड़की लोग होता है जो फैमिली को डिपेंड करके ऐसे रह जाता है, कुछ भी चीज चाहिए होगा फैमिली को, पर मेरा बचपन से ऐसे है कि हम खुद ही बहुत हार्ड वर्किंग करता है, एंड उसके बाद हमको जो चीज चाहिए हम खुद मेहनत से लेते हैं उस चीज को, और अभी भी मीन्स ये कर रहा है, इन लोग बोल रहा है कि तुम इतना काम कर रहे, ये कर रहे ये कर रहे, फिर क्या करेगा और इतना कर रहे हैं, बोले नहीं पापा हमको काम करने बहुत पसंद है,
एक जगह में नहीं रहना है, एक जगह में रह जाएगा तो दिमाग जो नेगेटिव चीज आना शुरू हो जाएगा, लोगों का बात सुनना पड़े, उस चीज को रिकॉल करते करते खुद को पूरा ये खुद को मिस बहुत कमजोर बना देता है। तो इसलिए हम हमेशा खुद को बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ वर्कशॉप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बिजी हो जाता है, इधर उधर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो लोगों को हेल्प करना भी अच्छा लगता है हमको, जिन्यून वाला जो जो बहुत तकलीफ में एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज में बिजी रहने बहुत अच्छा लगता है। बस्ती जाना अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव का, गांव गांव का चीज हमको बहुत अच्छा लगता है, बस्ती जाके फिशिंग करना, फिर सब्जी वब्जी तोड़ना, ऐसे मम्मी लोग के साथ बैठना, फिर गार्डन में जाके क्या क्या लगाना, तो अच्छा लगता है हमको वो सब चीज। ऐसे बिजी रहना चाहिए आदमी को। ओके देन अभी यस कमेंट आया है वो पढ़ लेते हैं। उसका नाम है पूजा दत्ता, उसने लिखा है यू आर लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू सो पूजा, पूजा हाय आई लव थैंक यू। यू। देन नेक्स्ट है तशार मेरी, प्राउड ऑफ यू माय डियर। मेरा मौसी, माय आंटी, हाय माय माय ओके ब्यूटीफुल मौसी, थैंक यू माय मौसी। हमें मौसी को बोलता है, मौसी को मोई ओके बोलता है, मोई। ओके मोई, सो मोई के लिए कुछ और बोलना चाहते हो? मेरा जी मोई बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है एंड शी इज बहुत मेहनत करती है और हमको बहुत सपोर्ट करता है। मेरा मौसी, इसका नाम है तसर मेरी, और शी इज वेरी नाइस पर्सन एंड गॉड को भी बहुत बिलीव करता है। हम हमेशा प्रे करते हैं कि मेरा मौसी का जिंदगी में कोई ऐसे कोई आ जाए जो उसको बहुत प्यार करने के लिए। बहुत सिंपल है मौसी एंड बहुत मेहनत करता है मौसी भी, और बहुत प्यार देता है हमको, सपोर्ट करता है हर एक चीज में। तो थैंक यू मौसी, लव यू। आपको भी कोई बहुत सारा प्यार करने वाला एक तो मिल जाए, शायद मौसी खराब लगेगा होगा बाद में, पता चले नाना तुम अरे क्या क्या बात कर रहे हो मेरे बारे एनीवेज थैंक यू सो मच आपकी मौसी को कि आपने कमेंट किया है, ब्यूटीफुल कमेंट किया है। सो थैंक यू सो मच। एंड सो अभी पूछना चाहती हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यूचर के लिए और क्या क्या करना है आपको, आई मीन एक्टिंग एंड मॉडलिंग। नेक्स्ट के लिए तो बहुत सोच के रखा है, क्योंकि हमको डायरेक्टिंग करना है, प्रोडक्शन हाउस खोलना है, मूवी मेकिंग करना है, ओके नया टैलेंट लेना अच्छा है। जैसे कि अगर फ्यूचर में कोई नहीं पूछेगा तो, जैसे कि बहुत तकलीफ, बहुत टैलेंट वाला लोग भी होता है लेकिन उन लोग आ नहीं पाते हैं इस हाँ फील्ड में। हाँ एक्टिंग करना है, काम करना है, अपना अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करना है, लेकिन जगह नहीं मिलता। ट्राई करेगा कि कुछ एक ऐसी चीज करेगा जिसका बहुत जरूरी वाला, लोगों को मदद करने के लिए। वो ये फिर बिजनेस में है तो पढ़ाई भी कर रहा है, देखते हैं क्या होगा आगे का, बहुत सोच के रखा है। थैंक एनीवेज बेस्ट विशेस कि आप प्रोडक्शन हाउस जल्द से जल्द खोलो, और जो लोग यू। मतलब चाहते हैं कि लाइक एक्टिंग करना है एंड नहीं पहुंच पाते, तो जो व्यूवर्स है आप जरूर एना का पास जाना, वो श्योरली मदद करेगा। देन यस, एना कुछ बोलना अगर चाहते, हाँ कुछ हाँ बोलना चाहते आप व्यूअर्स को बोल सकते जो हो। मेरा जो फैंस है और जो जो नया अपकमिंग आर्टिस्ट लोग को मेरा तरफ से फिलहाल बाद में भी कुछ भी मदद नहीं कर पाने से, अभी भी मेरा चीज में अगर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकता है, जो जिसको एक्टिंग करना है, जिसको कैसे घुसना है, क्या करना है, इसका प्रोसीजर्स कैसे होता है, कैसे अप्लाई करना है, आप लोग क्या क्या मीन्स एक्टिंग का रिलेटेड, एक्टिंग रिलेटेड, तो ऐसे होने से आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को हम गाइड कर सकते हैं कैसे कैसे किया जाता है, ऑडिशन कब होता है, आपको कैसे ऑडिशन देना चाहिए, आपको ऑडिशन में क्या क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इतना तो हम हेल्प कर सकते हैं मेरा फ्रेंड्स के लिए, मेरा अपनों के लिए। जो यहाँ पे बहुत लोग है, जो लड़के लोग भी है, उन लोग थोड़ा डरता है, फैमिली भी अलाउ नहीं करते, तो जितना भी अगर कोई बड़ा पेरेंट लोग देख रहा है मेरा यहाँ पे अरुणाचल में, तो आप लोग भी प्लीज अपना बच्चा को, अपना बेटा बेटी को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने दो। आप लोग ये मत सोचो कि डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशनल पढ़ाई करने से सिर्फ जिंदगी होता है, हाँ वो अलग है, उसको भी करना है, लेकिन कोई अगर आपका फैमिली में, आपका कोई रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स कोई आपका इंटरेस्टेड है, या तो इवन आपका वाइफ भी, कोई हस्बैंड सुन रहा है, तो उन लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा टैलेंट हर किसी के साथ नहीं होता है, और उन लोगों को आप सपोर्ट करेगा तो तब दुनिया सपोर्ट करेगा, जबकि घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो दुनिया तो हमेशा खराब ही बोलेगा, उल्टा ही बोलेगा, ये मूवी मेकिंग, ये मूवी इंडस्ट्री में कुछ करियर नहीं है, ये ऐसा नहीं है, अभी बहुत चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रहा है। आप और जितना भी मेरा जो
फ्रेंड्स लुक है, मेरा जो फैन लुक है। प्लीज आप लोग भी अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है ना, अपने आपको ये मत सोचो कि हम देखने में ठीक नहीं है, मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं है, मेरा हम ये अच्छा नहीं है। अपना आपको कभी रिजेक्शन मत करो। अगर फर्स्ट अगर आप खुद को रिजेक्ट कर लेगा तो दुनिया आपको रिजेक्ट करेगा। आजकल जरूरी नहीं कि हर चीज अच्छा होना जरूरी, अभी सब चीज मीन्स रियलिटी बेस्ड ऑन रियलिटी में जा रहा है। आपका क्या पता, आप देखने में ऐसे हो, यही तो कैरेक्टर चाहिए होगा मेन लीड में। तो इसलिए अपना आपको कभी कमजोर मत सोचो, और अपना आपको कभी मीन्स हारा हुआ इंसान मत सोचो। ट्राई करो कुछ भी फील्ड में, और फैमिली को शेयर करो जरूर, छुपा छुपी के मत करो, मीन्स कुछ भी चीज छुप छुप के मत करो। जो भी करना है फैमिली को बताइए, अपना किसी को जिसको भरोसा होता है उसको बताइए। और एक्टिंग में अगर इंटरेस्टेड है तो हमको भी टेक्स्ट कर सकता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कभी कोई जैसे कि हम लोग का ग्रुप में तो ये कास्टिंग कॉल होते रहते हैं, तो उसमें हम आपको आइडिया दे देगा कि इसको कॉल करो, उसमें आप जाओ कैसे करना है, और आपके एक्टिंग इंप्रूव कैसे करना है, इतना तो मदद कर दे सकते हैं। ओके लाइक अभी है ना, मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइक आपका फेसबुक आईडी बता दीजिए, सो दैट बाकी लोगों भी कुछ हेल्प चाहिए तो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, सो यू कैन सी योर फेसबुक आईडी। मेरा फेसबुक आईडी यही में दिखाई दे रहा है, जो एना टाइम काम दागे, इसमें आप ढूंढ दीजिए, इसमें टाइप करने से मिल जाएगा। इंस्टा में एना टाइम तार है, तो आप उसमें जाने से भी हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके आप उसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक आईडी यही नाम से ही मेरा, तो आप इसमें भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं एंड टेक्स्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू मूवीज वूवी और एक्टिंग का। जिसको लाइक हेल्प की बहुत जरूरत है देन श्योरली आप एना से कांटेक्ट कीजिए। सो उसका फेसबुक आईडी है A-N-N-A-N-A टाइंग TAYING टाइंग कम डा KAMDAK। अभी और एक सवाल, लास्ट लास्ट सवाल पूछना मैं कर चाहती सकती हूँ हूँ, कि आपको गाना गाना पसंद है कि दानवी प्लीज दो नाच में गाना नहीं? गाना पसंद नहीं है, और अगर मैं अगर अच्छा गाती एक दो लाइन सुना सकेगा तो प्लीज। हूँ, तुमको फोन करके अभी हम तुमको बात करते हैं, जरूर बना नहीं सकती हूँ, ओके आता है ठीक क्योंकि है। लेकिन हाँ अगर इतना मेरा दानवी इतना आज बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है ऑल द टाइम, तो उसके मेरा आवाज तो ठीक नहीं है, थोड़ा भी ठीक नहीं, प्लीज सुनने से कान दर्द होने से भी सुन लीजिए। बहुत बेसुर गाती हूँ मैं एंड लोकल गाना गाती रहती हूँ, ठीक है, हाँ मेरे जरूर, हाँ कान लोकल बोला गाना, हाँ ठीक है, हाँ आवाज ठीक हाँ नहीं है, देखते क्या पता कि सुन लाइक लीजिए फ्यूचर में फ्रेंड। आप सिंगर भी हो सकता है। नहीं ये शायद ओके शायद मेरा बुरा नहीं हुआ होगा, ठीक है, ओके पहले से हाँ रेडी, ऑलवेज रेडी है। क्या गाना था, हाँ इसी गाना जो बचपन से सुनते आया है, तवायल मैडम का, जो हम लोग का बहुत का होता होगा, देन गाना ना हम इतना सुन नहीं सुनता है शायद, इसलिए मेरा गाना गाने का पूरा बेसुरीला बेसुर है। तो ये गाना बचपन में मम्मी लोग भी गाया करता था एंड सुनते रहता था, निशी गाना है, बहुत अच्छा है, मीनिंग भी थोड़ा बता देते लास्ट में तो ओके हाँ गाना हाँ का जरूर। ये नमो मलाई सो के दासो, नमो सलाई सो इसी सो, नमो मलाई सो के दासो, नामो सालाई सो इसी सो, नोगे दो मालो मुग हांसी जिली मिली दो हाय कुत्तो। हाँ इतना ही है नहीं अच्छा इसका मीनिंग क्या है? दानवी, इसका मीनिंग है कि नामो मुलाई सोगिदा सो, माने तुमको हम बहुत सोचते हैं ये दुनिया में, और तुम्हारा लिए हम प्यार प्यार के जाहिर कर रहा है कोई ना, तुम नहीं रहने से नोगे दो मालो, अगर तुम नहीं रहने से तो मेरा जिंदगी ऐसे से हो जाता है, तो लोनली हो जाता है, ये सब टाइप का तेरे लिए है, वही सॉन्ग मतलब सॉन्ग है किसी के लिए, कोई प्यार तो मतलब का यहाँ इजहार करने पे वाला सॉन्ग। अच्छा, देन थोड़ा पहले आपने बताया कि लाइक गाना कम सुनते तो शायद मूवी देखना बहुत पसंद होगा। हाँ मूवी तो देखना पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा अगर मूवी अभी पसंद देन बॉलीवुड बॉलीवुड की बात बोलो करेगा।
फेवरेट एक्टर एंड हाँ एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? हमको एक्टर एक्ट्रेस में हमको ये क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा अच्छा लगता है एंड कंगना भी अच्छा लगती है। एंड एक्टर में तो अभी प्रवासी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत साउथ इंडियन एक्टर है, बॉलीवुड को नहीं हाँ मिलता है। ओके तो हाँ बॉलीवुड सर में तो बॉलीवुड में हमको इतना तो एक्टर को ना सुशांत को अच्छा लगता, तो बेचारा चला गया ना बेचारा। पहले तो हमको ऋतिक रोशन बहुत पसंद था, अभी भी है, ठीक ही है वो, ऋतिक ही अच्छा लगता है हमको। ओके, इतना नवाजुद्दीन को फेवरेट अच्छा लगता है, चेंजेस राजकुमार किसको? नवाजुद्दीन को अच्छा लगता है एंड राजकुमार राव को अच्छा ओके ओके लगता है। वो अच्छा टैलेंटेड है, यानी उन लोगों को हम इंस्पायर करते हैं कि वो लोग भी ऐसे बैकग्राउंड से आया, एक्टिंग का एक हिस्ट्री चेंज कर दिया, जो कि बहुत इंस्पायर करता है हम लोग को आगे बढ़ने के। अरे वो लोग इतना कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकेगा, तो अच्छा लगता है वो लोग। कभी सोचा है कि वो लोग के साथ एक्टिंग करने के लिए अगर चांस हमेशा मिला सपना तो? मार, हाँ चांस मिला तो ऑब्वियसली वो चांस इतना भी नहीं गवाएगा, उसको जरूर करेगा, बट कहाँ मिलेगा। अगर मिलता तो वाह क्यों नहीं करेगा। सपना तो देखता है कि हर कोई, हर एक आर्टिस्ट सपना देखता है कि हमको उसका साथ काम करने मिलने से एक बार, एक झलक, एक सेकेंड होने से भी हर कोई वही चाहता है। लेकिन होगा कि नहीं होगा, हॉपिंग फॉर द बेस्ट फ्यूचर में क्या होगा, अगर मिलता तो जरूर। ओके बेस्ट विशेस फॉर दैट, देन थैंक लाइक यू। फ्यूचर में, यस फ्यूचर में आपका मूवी देखना चाहेगा कि बॉलीवुड एक्टर वाह ऐसे सिंगर एक्टर का गलत के होता साथ? है। ओके तो अभी हम लोग ने बहुत बातें कर लिया है, देन यहाँ पे हम लोग का शो खत्म कर देगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने प्रिशियस टाइम दिया है, सो दिल से थैंक यू सो मच, है ना? थैंक यू दानवी, और टाइम कब जा रहा है पता ही नहीं चला है। हाँ इतना अच्छा लग रहा जी है बात करके। एंड थैंक यू दानवी, थैंक यू सो मच कि मुझे बुलाया इसमें, और सबसे पहले से थैंक्स बोल ही रही थी कि स्टार फॉक्स एंटरटेनमेंट रीजनल के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू स्टार फॉक्स रीजनल चैनल, जिसको जिस चैनल को मेरा व्यूअर्स लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट के, इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजनल के आपको फूड, कल्चरल, टीवी शोज, एल्बम्स, मूवीज सब कुछ देखने मिलेगा। तो स्टार फॉक्स को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए अपना, तो इसमें आपको हर एक अपडेट मिलेगा आपको, और बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगा आने वाला दिन में। एंटायर नॉर्थ ईस्ट का पूरा आर्टिस्ट लोग को आप लोग को देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा उनका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच दानवी, थैंक यू, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, और मेरा मूवी आने से प्लीज आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिए और श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। जितना भी मेरा आसाम गुवाहाटी में भी बहुत, आसाम में भी मेरा अच्छा अच्छा फ्रेंड लोग है एंड अरुणाचल में भी है, जो मेरा खुद का लोग है यहाँ का, हमको पता है अपना लोग तो हमको सपोर्ट करेगा ही करेगा, इसी तरह हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना है, इसलिए हम लोग सब मिलकर स्टार फॉक्स एंटरटेनमेंट रीजनल को सपोर्ट करता है। थैंक यू दानवी, और दानवी के लिए भी ऑल द बेस्ट दानवी। हेलो, थैंक हाँ यू मैं सो तुम्हें कुछ बोलू मच। हाँ बोलो ना। दानवी के लिए भी ऑल द बेस्ट। दानवी एक रेडियो जॉकी, जो बहुत, इसका आवाज बहुत सेक्सी है, एंड दानवी भी ओह अपना माय आगे कीजिए, हमारा जो अरुणाचल का जितना भी व्यूअर्स लोग देख रहा है प्लीज दानवी को भी फॉलो कीजिए, एंड शी इज ए वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जो कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। और दानवी के लिए मैं बोलती हूँ, करेगा जरा सा। थैंक यू सो मच कि प्रमोशन किया है मेरे लिए, एंड इसके बाद स्टार फोर्स को भी प्रमोशन करने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि और मुझे इतना कुछ? अच्छा से प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए स्टार फॉक्स ने, एंड दानवी के साथ मेरा टाइम जो जा रहा है पता नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि और ज्यादा का, तो पहले तो सोचा कम बात करेगा, हाँ तो बात कम करेगा, लेकिन करो होने वाला है पता ही नहीं चला। एंड दानवी को भी सपोर्ट करो, हम लोग भी करो, क्योंकि इसीलिए ये चैनल का थ्रू में हम लोग लाइफ में आ रहा है और सब लोग देख रहा है, जान पा रहा है, और मैसेजेस आ रहा है स्टार फॉक्स एंटरटेनमेंट का वजह से एंड जानवी का थ्रू से स्पेशली। एंड जानवी ऑल द बेस्ट, मिलता है गुवाहाटी में, एंड तेरे ठीक लिए मैं एक है बार या बोलू, श्योर। हाँ बोलो बोलो। एक बार बोलू, हेलो हाँ एवरीवन, दिस इज दानवी, आई एम आरजे जोगी, ओके तुम्हारा विवेक कर रहा था, कब तुमको लाइव ओके फेस टू फेस में तुम्हारा मिमिक्री करूंगी, ठीक है, आके तुमको मिलते हैं या गुवाहाटी में श्योर जाके। श्योर ओके श्योर, गुवाहाटी में पक्का।
हम लोग मीट करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो तुम भी अच्छा, मच। हाँ इट्स ओके, हेलो, थैंक यू, हाँ ठीक हालांकि है, बाय, बाय थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय बाय, कीप बाय सपोर्टिंग, थैंक बाय। यू, थैंक यू, थैंक यू एस्टर फॉर एंटरटेनमेंट.